है, मैं पढ़ता हूँ कि तुम नहीं हो जवानी अधूरी रही, तुम नहीं हो जवानी अधूरी रही, बात सारी पुरानी अधूरी रही, कुछ तो अरमान पूरे हुए थे मगर प्यार की एक कहानी अधूरी रही, प्यार की एक कहानी अधूरी रही। और चार पंक्तियां मैं सुनाता हूं कि दिल को तोड़ो नहीं पाप लग जाएगा, दिल को तोड़ो नहीं पाप लग जाएगा, एक दिन कोई संताप लग जाएगा, बेवजह प्यार में कोई रोता नहीं आह लग जाएगी शाप लग जाएगा, आह लग जाएगी शाप लग जाएगा। और चार पंक्तियां मैं सुनाता हूं कि धारणाएं बदलती रही हैं सदा, जो नहीं चाहता था वही हो गया, धारणाएं बदलती रही हैं सदा, जो नहीं चाहता था वही हो गया, आपने कल गलत कह दिया था जिसे आज के दौर में वो सही हो गया, आज के दौर में वो सही हो गया। और एक कविता मैं भगत सिंह जी पे सुनाना चाहता हूँ, युवाओं का ये महफिल है, युवा लोग बैठे हुए हैं। भगत सिंह पे मैं पहली चार पंक्तियां पढ़ता हूँ और एक कविता उनकी सुनाता हूँ कि ध्रुव प्रहलाद जैसा तप त्याग युवकों में और जहां बूढ़ों का ईमान बोल देता है, ध्रुव प्रहलाद जैसा तप त्याग युवकों में और जहां बूढ़ों का ईमान बोल देता है, बेटियां हैं झांसी वाली बेटे हैं भगत सिंह, धरती को चिरता किसान बोल देता है, बेटियां हैं झांसी वाली बेटे हैं भगत सिंह, धरती को चिरता किसान बोल देता है, कि वंदे मातरम महामंत्र राष्ट्रीयता का गौरव अतीत बलिदान बोल देता है, शत्रु के समक्ष डट तोप के दहाने पर सीना तान देश का जवान बोल देता है, शत्रु के समक्ष डट तोप के दहाने पर सीना तान देश का जवान बोल देता है। और एक कविता जो भगत सिंह पे मैंने लिखी वो आपके बीच में पढ़ता हूँ, किशन सिंह और विद्यावती का पूत हिंद का तारा है, किशन सिंह और विद्यावती का पूत हिंद का तारा है, इतिहास के स्वर्ण पृष्ठ पे अंकित नाम तुम्हारा है, भांगा वाला कहकर जिसको दादी रोज बुलाती थी, बलिदानों की गाथा गाकर निर्दिन जिसे सुलाती थी, पढ़के उसने प्राइमरी में देशभक्ति को बोया था, दिल में पूरे भारत की जो चिंता लेकर सोया था, कॉलेजों में देशद्रोह के नारे लोग लगाते हैं, अफजल हुर्रियत लश्कर तैयबा का यशगान सुनाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे राग अलाता करते हैं, कलम चलाना था जिनको बंदूक चलाया करते हैं, कलम चलाना था जिनको बंदूक चलाया करते हैं, जिन्हें चाहिए हुरे जन्नत, जिन्हें चाहिए हुरे जन्नत, उनको सबक सिखाना है, इनको जेलों में ना रखो फांसी पे लटकाना है, इनको जेलों में ना रखो फांसी पे लटकाना है, देश का हर एक सैनिक हमको प्राणों से भी प्यारा है, इतिहास के स्वर्ण पृष्ठ में अंकित नाम तुम्हारा है। और क्या हमारा इतिहास रहा है सुनिएगा, कि 1919 में जब रॉलेट एक्ट लगाया जाता है, 1919 में जब रॉलेट एक्ट लगाया जाता है, इसी वर्ष में जलियांवाला कांड कराया जाता है, लाशों का वो ढेर लगाने वाला जनरल डायर था, मासूमों को मारा जिसने नीच पतितों का एक कायर था, खून के धब्बे दीवारों पर भगत सिंह ने देखे थे, चारों तरफ लाश के टुकड़े गए हुए जो फेंके थे, गांधी जी के सत्याग्रह ने पूरा मन झकझोर दिया, दिन दहाड़े असेंबली में जिसने बम को फोड़ दिया, दिन दहाड़े असेंबली में जिसने बम को फोड़ दिया, खून सनी उस मिट्टी को, खून सनी
उस मिट्टी को उसने बोतल में बंद किया, नमन किया उस मिट्टी को फिर अंग्रेजों का अंत किया, नमन किया उस मिट्टी को फिर अंग्रेजों का अंत किया। इंकलाब के नारों से ही, इंकलाब के नारों से ही पूरा भारत गूंजा था, भगत सिंह सा कोई पूरे भारत में ना दूजा था, भगत सिंह सा कोई पूरे भारत में ना दूजा था। भगत सिंह से वीर सपूतों का कोटि अभिनंदन है, उन चरणों का पावन रज मेरे माथे का चंदन है। वीर शहीदों के शौर्य का इतना कर्ज चुकाते हैं, आजादी देने वालों को आशीष झुकाते हैं, आजादी देने वालों को आशीष झुकाते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।